तुलसीदास द्वारा लिखी रामचरितमानस की चौपाई ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल तारणा के अधिकारी पर संग्राम जारी है। स्वामी प्रसाद मौर्या के बयान के बाद वाद विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। चौपाई के विरोध करने वाले का कहना है कि तारणा का अर्थ पीटना होता है, यानी कि तुलसीदास जी ने चौपाई के माध्यम से शूद्र जातियों का और नारी जाति का भी अपमान किया है। वहीं चौपाई में कुछ भी गलत नहीं है कहने वालों का तर्क यह है कि तारणा का मतलब पीटना तो होता ही नहीं है, तारणा का मतलब तो शिक्षा देना होता है, और दोनों ही पक्ष एक दूसरे की कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो आइए हम समझते हैं कुछ संदर्भों के साथ कि तारणा का मतलब क्या है और इस चौपाई का असली व्याख्या क्या है। चौपाई में तारणा शब्द ही है जिस पर सबसे ज्यादा विवाद है। सबसे पहले इसी का अर्थ कुछ संदर्भों के साथ समझते हैं। एक किताब है जिसका नाम है परमेश्वर का छुराने वाला हृदय, जिसके लेखक आशीष है। 2021 में प्रकाशित यह पुस्तक ऑल पीपल चर्च एंड वर्ल्ड आउटरीच बेंगलोर इंडिया हिंदी भाषा में लिखी गई है। इसके किताब के 27वें पेज में क्या लिखा है जरा आप देखें। परमेश्वर जिनसे प्रेम करता है उन्हें तारणा देता है, उनकी तारणा प्रेम पूर्ण सुधार है जो हमारी भलाई के लिए है, हमारे विनाश के लिए नहीं। यह परमेश्वर के छुराने वाला यानी कि मुक्तिदायी हृदय से आता है जो हमारी मूर्खता से हमें छुटकारा देने की कोशिश करता है। तुम दुख को तारणा समझकर सह लो, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वो कौन सा पुत्र है जिसकी तारणा पिता नहीं करता? यदि वह तारणा जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई तो तुम पुत्र नहीं पर व्यभिचारी के संतान ठहरे। इस संदर्भ का अर्थ यह प्रतीत होता है कि जिनसे हम प्यार करते हैं अगर वो गलती करे तो तारणा के अधिकारी है। तारणा का अर्थ यह हुआ कि जो हम पर आश्रित है उनके गलती करने पर हम डांटे या कोई दंड दे। यह दंड छोटी या बड़ी हो सकती है पर यह दंड भले के लिए है, कोई अत्याचार नहीं। शूद्र सेवक वर्ग को कहा जाता है, इससे जाति से कोई लेना नहीं है। जो भी आज नौकरी कर रहे हैं वो आज शूद्र है, और सबको पता है गलती करने पर उनको दंड दिया जाता है। तारणा यहां पर भी हो रहा है पर वर्तमान समुदाय में इसका मतलब छोटी डांट सही ज्ञान देना या नौकरी से निकाल देना हो सकता है। आजकल तारणा का अर्थ लोग यह निकाल रहे हैं कि जब भी छोटी जाति के लोग मिले उसे पीट दो, पर ऐसा है नहीं। जहां तक नारी का सवाल है तो भारतीय समाज शुरू से पितृ सत्तात्मक रहा है। यहाँ पत्नी लड़कियां और माताएं किसी पुरुष के निगरानी में रहते हैं। आज तो स्थिति पूरी तरह बदल गई है पर पुराने समय में आर्थिक रूप से वे पुरुष साथी पर निर्भर रहते थे। इनके गलतियां करने पर हम उन्हें डांटते हैं, हम उनकी ये भलाई के लिए कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम उनसे प्यार नहीं करते, उनका भला करने के लिए हम ताड़ना दे रहे हैं। आज भी जब हमारी माँ बहन घर से बाहर जाती है तो हम उनकी निगरानी रखते हैं, उन्हें समझाते रहते हैं कि यहाँ मत जाओ वहां मत जाओ, किससे मिलना है किससे नहीं यह पुरुष ही तय करते हैं। औरतों के लिए ताड़ना शब्द आज के जमाने में उतनी मायने नहीं रखती क्योंकि आज तो नारी हर तरह से काबिल है और अपना भला बुरा सोच सकती है। जहां तक ढोल का सवाल है, तारणा का अर्थ पीटना तो कभी नहीं हो सकता क्योंकि ढोल के पीटने से कर्कश आवाज निकलेगी ना कि सुरीला स्वर। आज भी जब कोई जोर जोर से किसी बात को बार बार कहते हैं तो हम कहते हैं कि ढोल क्यों पीट रहे हो। ढोल से सुरीली ध्वनि निकालने के लिए ढोल बजाना होता है ना कि पीटना। ढोल के लिए तारणा तो तब शुरू होता है जब सुरीली आवाज ना दे। मुझे आज भी याद है कि जब घर पर कीर्तन होता था कभी कभी ढोल सही सुर नहीं देता तो ढोल बजाने वाले कलाकार बीच में रुक कर या कीर्तन से पहले ही ढोल को ठीक करने में लग जाते थे। उनके पास कुछ औजार होते थे जैसे छोटी हथौड़े नट वोल्ट कसने वाला रिंच, इनके माध्यम से वो ढोल को कसते थे। कुछ ढोल में रस्सियां लगी होती थी, वो इसे हाथों से कसते थे, इसे ढोल को खींची लगाना कहते हैं। ऐसा करते वक्त ढोल को हल्के हल्के पीटते भी थे। यह काम वो तब तक करते थे जब तक ढोल से सुरीली आवाज ना आने लगे। इसे इस ढोल का तारना यही है। यह ढोल के अच्छे के लिए है। ढोल को थोड़ी देर के लिए दुख जरूर होगा पर बाद में वह यही कहेगा मैं तारने लायक हो गया। ढोल गवार शूद्र पशु और नारी चौपाई का अर्थ किसी और लेख में किसी और संदर्भ से समझने का प्रयास करेंगे। तब तक जय हिंद।